then we are going to proceed chapter 3, that is for finite and infinite. In earlier classes we have learned about finite curve and we were reading about non-finite curve. We see that there are three types of non-finite curve. Today we are going to see the second one, that is participle. इससे पहले हम फाइनाइट वर्क के बारे में सीख चुके हैं और नॉन फाइनाइट वर्क के बारे में सबसे पहला नॉन फाइनाइट वर्क हम सीखे थे जो इन्फिनिटी था, जिसमें हम क्या करते थे, वर्क के पहले टू लगाते थे, उसी को इन्फिनिटी कहते हैं। आज हम दूसरा नॉन फाइनाइट वर्क सीखेंगे जिसका नाम क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में कभी कभी वर्क के बारे में, वर्क के रूप में कुछ बातें बताता है, कभी कभी इसके रूप में एडजेक्टिव के रूप में कुछ बातें बताता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कभी ये वर्क का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई बात समझे? ये है आपका काइंड ऑफ पार्टिसिपल। इसी तरीके से ये एक्टिव था, इसी तरीके से एक्टिव का ये क्या दिया गया है, पैसिव दिया गया है, इसके बारे में हम सीखेंगे जब एक्टिव और पैसिव प्रेडिकेट। देखो ये एक सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है सीन द पुलिस, पुलिस के देखने पर द चेन स्नैचर, स्नैचर मतलब छीनने वाले, चेन को छीनने वाला रैन हमें दौड़कर भाग गए। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा पार्टिसिपल है अजेही पार्टिसिपल है सीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया गया है, आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। सीन द पुलिस, पुलिस के देखने पर द चेन स्नैचर रैन अवे, स्नेक चेन स्नैचर तो देखो क्या करता है, दौड़कर भाग गए। तो आइए हम इसके यूज देखते हैं। यूजेस ऑफ पार्टिसिपल, सबसे पहला क्वालिफाई करता है नाउन को, क्वालिफाई नाउन यानी नाउन के बारे में कोई बातें बताता है, जैसे बता सकते हैं इसमें पार्टिसिपल है क्या। अगर हम देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी आईएनजी लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी आईएनजी लगा होता है, बता सकते हैं दोनों में से
पार्टिसिपल है क्या। इधर देखो जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगा हुआ जो किसके साथ आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर ये पार्टिकल के रूप में नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगी या अकेले आएगी इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तभी ये किसके रूप में काम करेगा, पार्टिसिपल के रूप में काम करेगा। आई बात समझ में? का पार्टिसिपल होगा अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है तो इसे हम पार्टिसिपल नहीं करेंगे बल्कि ये टेंस का टेंस के काइंड होगा। जब ये अकेला आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के तभी ये पार्टिसिपल के रूप में काम करेगा। तो ये बारे में बातचीत है इंटरेस्टिंग की। इसमें नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा नाउन है? फिल्म। फिल्म के बारे में बताया गया फिल्म कैसी है? इंटरेस्टिंग। तो फिल्म के नाम है इसी को क्वालिफाई कर रहा है कौन? इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या हुआ? हमारा पार्टिसिपल हुआ जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ये पहला यूज हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सब्जेक्ट के रूप में भी आता है जैसा कि पहले हम देख रहे थे सीइंग द पुलिस। सीइंग द पुलिस पहला सेंटेंस सीइंग द पुलिस द चेंज इज नेचर रैंडम पहला सेंटेंस लिखा गया था। तो देखो यहाँ पर सीइंग जो किसके रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है जैसे आई सॉ हर स्लीपिंग। आई सॉ हर स्लीपिंग। यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यही आया जी लगा हुआ है। ये हमारा क्या होगा? यही हमारा सॉरी पार्टिसिपल होगा। यही हमारा पार्टिसिपल होगा। और देखो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा पार्टिसिपल है, ये भी हमारा पार्टिसिपल है। फर्क ये है कि ये सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है और ये किसके रूप में आया हुआ है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। आई बात समझे? तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से जब दो सेंटेंस या दो एक्शन हुए और दो एक्शन एक साथ हुए हैं, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुए, तो इसमें से पहले वाले एक्शन को हम पार्टिसिपल के रूप में दिखाते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है हियरिंग द नॉइज सी वेंट अवे। इसमें देखो पहला एक्शन क्या होता है? हियरिंग द नॉइज यानी नॉइज सुनने का काम हुआ है। सबसे पहला एक्शन कौन हुआ? नॉइज सुनने का काम हुआ है। और दूसरा एक्शन क्या हुआ? सी वेंट अवे वो भाग गई। दो एक्शन हो रहा है, इन दोनों एक्शन में सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है? नॉइज सुनने का। तो पहले वाले एक्शन को हम किसमें लिखते हैं? पार्टिसिपल के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर यही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल। पहले वाले एक्शन को हम पार्टिसिपल में कहते हैं करते हैं, दूसरा वर्ड जो है उसी तरीके से रहता है। आई बात हमने डियरिंग यानी नॉइज सुनने पर सी वेंट अवे वो भाग गई। डियर अगला यूज हुआ तो उसके बाद हम आते हैं। देखो अगला जो यूजर इसमें बता रहा है कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे, इसमें देखो दो एक्शन अलग अलग हुआ, पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। अब आगे बता रहे हैं जब दो एक्शन हमारे एक साथ हो रहे हैं तो दूसरे एक्शन को हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? सॉरी पार्टिसिपल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो सेंटेंस है द गर्ल वेंट आउट टाइम, इसकी मीनिंग अगर निकालना होगा गर्ल वेंट आउट, लड़की जो है बाहर गई, क्राइम रोती
प्राइम मतलब प्रोटीन ये जिला के बाहर यहाँ पर देखो दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं, लड़की बाहर जा रही है और साथ ही साथ वो चिल्ला भी रही है, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो जब दूसरा एक्शन वो चिल्ला रही है इसे इसमें क्या जाए ये पार्टिसिपेंट में लिखा गया। तो इसमें और इसमें फर्क आया, इसमें जो है दो अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पर दोनों एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं। तो दूसरे एक्शन में किसमें लिखा गया है पार्टिसिपेंट में, इसमें जब दो अलग अलग एक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं तो पहले वाले एक्शन को हम पार्टिसिपल में करेंगे। आई बात समझे? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है जब कोई एक बड़ा क्लोज हो उस क्लोज की जगह हम छोटे में उसे करना चाहते हो तो छोटे में करने के लिए हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल दोनों बारे में पढ़ चुके हैं, जो इन्होंने पिछले क्लास में पढ़े थे आज हम पढ़े हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो कहीं कहीं पर केवल टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है किसी किसी वर्ड के साथ। तो आइए देखते हैं कौन से वर्ड है जिनके साथ केवल टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है और कौन से ऐसे वर्ड है जिनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। आइए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर वन, वुड यू माइंड, इसके बाद स्पेस है द डोर फॉर मी। इसने क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे, क्या मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे। तो ओपन ओपन अगर टू इन्फिनिटिव के साथ लिखेंगे तो ये होगा टू ओपन, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लिखेंगे तो ये होगा ओपनिंग होगा। इसमें से बताना है इसमें से ये सही होगा या ये सही होगा। तो पढ़ते हैं